व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो ये वीडियो हम दोबारा शूट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहला वाला वीडियो पूरी तरह करप्ट हो गया था और उसको हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो वापस शुरू से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा हमको। तो वीडियो इसीलिए थोड़ा और लेट हो गया, जितना हम करते उससे यूजुअली और भी लेट हो जा रहा है, तो हमको इसलिए माफ़ कर देना गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं हमारे असली मुद्दे के ऊपर, कि जैसा कि हम सभी को पता हमारा कोलैब आ ही रहा है, तो आप लोगों को कौन कौन सी तैयारियां करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी वीडियो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ हम लोग के इस पूरे गेम में है वो हमारे रूबीज, तो आपको उनके साथ अभी क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको उनके साथ, उनको शांति से कलेक्ट करते रहो और एक जगह भी एक भी रूबी वेस्ट मत करना, ठीक है। वो अलग बात है, भली आज हम लीग मैच में थोड़ा 20 रूबी एक्स्ट्रा जमा कर दिए, मगर फिर भी आप लोगों को अपने रूबीज को सिर्फ जमा करना है और यहाँ पर आके कोई समन नहीं करेगा अभी से, हम पहले बोलते रहे हैं। अगर स्ट्रीट फाइटर कोलैब में सारे कैरेक्टर चाहिए, हम गारंटी तो नहीं ले सकते, मगर अपने प्रोबेबिलिटीज अपने चांसेस को बढ़ाना है, तो अभी से हम बोलते रहे यहाँ पर और यहाँ तो गलती से भी नहीं, ठीक है, यहाँ कोई बेवकूफ़ी मत करना, हम तो यही बोलेंगे फुलिशनेस रहेगा अगर आप यहाँ पर अभी रूबीज इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर कोई बाई चांस नया प्लेयर है तो हम तो यही बोलेंगे अपने स्टोरी मोड को क्लियर करो और खाली एग्जैजरेशन में अपने रूबीज को यूज़ मत कर देना कि हमको जल्दी क्लियर करना है, जल्दी क्लियर करना है, नहीं, हमको ये नया चाहिए, वो नया चाहिए, ये चाहिए, अपने जो आपके पास कैरेक्टर है उसी को सिर्फ अपग्रेड करते रहो, जब तक आप लोग कर सकते हो उसी काम चलाओ, तो फिर अपने रूबीज को इस्तेमाल करना सीधे अपने कोलैब पर, ठीक। और अगर आपको अभी भी नहीं मालूम कि हम किस कोलैब की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रीट फाइटर 5 का कोलैब आने वाला है और हमको लगता है होपफुली आप लोग उसी का वीडियो देख के इस चैनल से भी जुड़े होंगे। ओके, तो हम लोग और आगे बात कर लेते हैं कि वो कोलैब हम लोग का आने वाला 24th या 27th मार्च को, हमको एग्जैक्ट डेट अभी नहीं पता है, मगर वो कोलैब आने वाला है, तो इसलिए मैं यही बोलेंगे कि अपने रूबीज को जमा करके रखे रहो। और जिन लोग भी सोच रहे कि भाई ये बैनर का क्या करें, तो इतना देख लो गाइस, इन कैरेक्टर्स का आए हुए 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, ठीक है, कोई नए कैरेक्टर्स नहीं है। हाँ, इतना है कि ये लोग जो अभी डैमेज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नया है, क्योंकि इनको अभी रिसेंटली बफ मिला हुआ है, मगर फिर भी हम तो यही बोलेंगे कि ये कैरेक्टर अभी आए हैं, ये बाद में फिर दोबारा आएंगे, अब कब आएंगे ये हम नहीं बोल सकते, अभी से हम वापस रिपीट कर रहे हैं, ये कैरेक्टर्स दोबारा आएंगे ज़रूर, मगर कब ये हम अभी से नहीं बोल सकते, इसी के लिए हमको कोई कमेंट्स में ये मत बोलना कि ब्रो डेट कब है, हमको नहीं पता है, मगर इतना है कि ये आने वाला है, ठीक। और एक और चीज़ ये, आप लोगों को जब भी फ्री रूबीज मिलते हैं, हम फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, जब भी आप लोगों को 7000 रूबीज मिलते हैं किसी बैनर से पहले, उन रूबीज़ का इस्तेमाल सबसे पहले कार्ड बैनर पर कर डालो, ठीक, क्योंकि यहाँ पर से आप लोग जो 3 PGs पाओगे, उन 3 PGs को आप लोग अपने यूनाइटेड में, जैसे हम लोग का अगर आप लोग रूगल का 3 PG ले चुके हो, तो आप लोग इस वाले ओमेगा रूगल के ऊपर भी उस 3 PG का यूज़ कर सकते हो। ये रूगल कहाँ पर है, ये रहा, ठीक, तो उस हम लोग का BS रूगल का 3 PG हम लोग इस रूगल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी सभी का वही हाल है एक्सेप्ट फॉर BS एश और कोई एक साथ एक और कैरेक्टर, इसका हम लोग 3 PG यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कैरेक्टर ही दूसरा है, ठीक। तो सबसे ये तो हम लोग रूबीज का बात हो गया, अब इसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ ये करना है कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्राफ्ट सेक्शन में आखिरी में हम लोग आइटम सेक्शन है, यहाँ पर इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है, बहुत सारा नहीं, ज़रूरत भर कम से कम आप लोग 8 कैरेक्टर्स को अपग्रेड कर सको, इतना यहाँ पर रिसोर्स रख लो। इन रेनबो कोर्स को भी कलेक्ट करना शुरू कर दो और यहाँ पर ये सभी जो कोर्स है इन सभी कलेक्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि जब भी कोलैब आता है हम लोग सबसे पहले काम क्या रहता है, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपग्रेड करें ताकि हम लोग उसका लेकर खेलने का मज़ा ले पाएँ। और उसके साथ ही साथ हम आप लोग ये भी बोलें कि यहाँ पर जो भी आप लोग ये स्टोन्स देख रहे हो ना, स्टार और या मून स्टोन्स, इन सभी को कलेक्ट करना शुरू कर दो, इनको कलेक्ट अभी से मत करो, तो एक चीज़ बोलेंगे इनको अभी कलेक्ट मत करो, इनके लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करके रख लो, जब आप लोगों के पास कोलैब आ जाएगा आप लोग उनमें से आपके चुनाव फाइटर मिल जाएगा, तो और उसको अगर आप लोग 3 स्टार तक लेकर चले जाते हो, जो आप लोगों को सभी को रिकमेंड करें कि अपने कोलैब में हर एक कैरेक्टर को एटलीस्ट 3 स्टार तक लेकर जाना, ताकि आप लोग उनको मून और स्टार स्टोन्स भी दे पाओ, ठीक, क्योंकि हम मून स्टोन हम लोग लगा सकते हैं लेवल 25 पे और लेवल 30 पे हम लोग स्टार स्टोन्स लगाते हैं, या फिर उसका वाइस वर्सा हम लोग की सिचुएशन है, तो यही हम आप लोगों को बोलें कि यहाँ पर अपने रिसोर्सों जमा करो। और आपको क्या अभी से कलेक्ट करके रखना है, आप लोगों को जाना है अपने डंजन में, आप लोग जाओगे पावर ऑफ डंजन में, यहाँ पर आप लोग खेलोगे अपने एक्सपीरियंस डंजन को, ताकि यहाँ पर से एक्सपीरियंस कैप्सूल ले पाओ। एलिमेंटल डंजन में यहाँ पर आप लोगों को अपने सोल्स कलेक्ट करने हैं अपने एलिमेंट वाले, जैसे कि अगर आप लोगों को ब्लू सोल्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पर जाओगे, और फिर पर्पल चाहिए यहाँ पे, रेड यहाँ, ग्रीन यहाँ, येलो यहाँ, इसी हिसाब से आप लोगों को कुछ भी नहीं, अगर आप लोग एक बार इसको क्लियर कर ले तो फिर तो इसको ऑटो क्लियर कर सकते हो, हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं।
और इसके बाद आप लोगों को और क्या करना है, अपने ये गोल्ड फार्म करके रखने हैं। और गोल्ड फार्म करने के लिए आपको सबसे बेस्ट टीम अभी भी नहीं पता है तो हम आप लोगों को यही बोलें कि मेरा एक वीडियो सर्च कर लो जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा गोल्ड दिलाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ क्या देख रहे हो, हम लोग के यहाँ 2 लाख गोल्ड मिलेगा, मगर हमको कितना मिलता है मेरे टीम से, हम लोग को यहाँ मिला 5,62,000 जो कि 2 लाख का डबल से भी ज़्यादा है, ठीक। तो हम आप लोग अगर आप लोग ऐसे ही गोल्ड चाहिए तो हम तो ये बोलेंगे मेरा पुराना वीडियो जाकर चेकआउट कर लो, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को बहुत बढ़िया हम लोग टीम का कॉम्पोजिशन आप लोगों को वहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। और गोल्ड के बाद हम लोग किसका बात करेंगे, हमारे कोर्स का, क्योंकि इन्हीं के बाद तो हम लोग असली मज़ा ले पाते हैं कि कैरेक्टर का। जब तक एक कैरेक्टर का सारे कोर्स अनलॉक नहीं हो जाते हैं तब तक वो अपने फुल पोटेंशियल काम नहीं कर पाता, यहाँ तक कि सारे स्किल्स भी अनलॉक नहीं हुए रहते हैं। तो यहाँ पर भी आओ इन्फर्नो मोड में, दिन में 3 ही बार इसको ऑटो क्लियर करो। हम यहाँ पे जिस भी मोड्स को बोल रहे हैं इनसे, तो दिन में 3 ही बार करो, एक ही बार करो मत करो, क्योंकि आप लोगों को इन रिसोर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है। और इसी के साथ ही साथ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि हम लोग पास एक कार्निवल भी आए। अब कौन सा कार्निवल आएगा ये हमको नहीं पता, आप लोगों को उसमें क्या कलेक्ट करना पड़ेगा वो भी हमको नहीं पता, मगर हमको इतना ज़रूर पता है कि अगर आप लोग अभी से प्रिपेयर करके रखते हो खुद को तो आप लोग उस कार्निवल में आराम से क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर क्लियर करने से याद आया, टाइम अटैक खेलो, ठीक है, टाइम अटैक खेलो, यहाँ पर रूबीज़ क्रिएट करो। और रूबीज़ से हमको वापस एक चीज़ ध्यान में आया है कि रूबीज़ के लिए हम एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि बेस्ट वेज टू मेक रूबीज़ फास्ट, ठीक है, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोगों को रूबीज़ कलेक्ट करने का बहुत बढ़िया बढ़िया जगह और बढ़िया बढ़िया जो ट्रिक्स और टिप्स हम खुद पर्सनली यूज़ करते हैं वो आप लोगों को बताने वाले हैं उस वीडियो में, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिएगा। और स्टे ट्यून्ड से याद आया हमको कि आप लोगों यहाँ जो आउट ऑफ बाउंड्स वाला जो यहाँ रश जंजन चल रहा है यहाँ पर फार्मिंग करना शुरू कर दो अगर अभी भी नहीं किए हो तो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को BS रूगल तो फ्री में मिल ही रहा है, उसके बाद आप लोगों को ये सभी जो गुडीज़ है ये सभी आपको मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर से मिस्ट्री बॉक्स भी कलेक्ट कर सकते हो अपने कैप्सूल्स के लिए। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कितना है 1300, तो मेरे को लगता है कि इतना मेरे ख्याल सफिशिएंट होना चाहिए, मगर हम भी अगर मेरे पास एक्स्ट्रा कॉइन्स या बचेंगे तो हम फिर उसको भी कलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को हैमर को भी रोज कलेक्ट करना है, और हैमर कलेक्ट करने से याद आया हमको, हम लोग सीधे चलते हैं हमारे गिल्ड में, ठीक है, क्योंकि गिल्ड में हम लोग पास बहुत सारे गुडीज़ भरे हुए हैं और उनके बारे में हम लोग बात कर लेना चाहिए। और हाँ एक चीज़ हम लोग को बता दें कि मेरे गिल्ड में अब जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह हम लोग 50-50 फिल अप हो चुके हैं। और चिंता मत करो, जिन लोगों को मेरा गिल्ड ज्वाइन करने का मन है उन लोगों को हम इतना ही बोलें कि थोड़ा दिन और इंतजार करो, क्योंकि हम फिर शायद कोलैब के दौरान या फिर इस महीने के एंड में या फिर अप्रैल के बिगनिंग में अपने गिल्ड में से कुछ लोगों को किकआउट करने वाले, जो लोग भी एक्टिव नहीं है 30 दिनों से ज़्यादा के लिए, ठीक। और हाँ हम लोग बात करते हैं हमारे गिल्ड के लिए, तो गिल्ड में हम लोग वापस आए अगर यहाँ, तो आप लोगों को अभी भी अगर ना पता हो कि हम लोग पास यहाँ रिवॉर्ड में हम लोग को SS और BS मेमोरीज मिलने के चांसेस हैं। आखिरी वाले बॉक्सेस BS मेमोरी, थोड़ा नीचे जाने से हम लोग पास यहाँ SS मेमोरी मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस है। तो हाँ लोग यही बोलेंगे अभी इन बॉक्सेस को कलेक्ट करना शुरू कर दो, आप लोग इनको रोज़ खोलना है नहीं खोलना वो आपका मर्ज़ी है, हम नहीं खोल रहे पर्सनली। और उसके बाद यहाँ पर आके खेलना शुरू कर दो और प्रिफरेबली इन्फर्नो में खेलो और मिनिमम 1250 मिलियन डैमेज कर डालो, ठीक है। अगर आप लोग के पास सोल कैरेक्टर है तो उसके लिए ऊपर तो हम डेडिकेटेड वीडियो कल ही पर्सनल शायद बनाए थे, आप लोग उसको चेकआउट करना, क्योंकि सोल को लेकर हम इसको खुद पर्सनली खेलते हैं और मेरा डैमेज आप लोग देख सकते हो और आप लोग अपना डैमेज और भी इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आप लोग थोड़े से अपने टीम में कॉम्पोजिशन थोड़ा चेंज कर देते हो तो। और इसको खेलो, सिंपल बात इतना ही है, इसको खेलो, ठीक, ताकि आप लोगों को स्टोन्स हमेशा रेडी रहे। जैसे कि हम लोग गिल्टी गियर में क्या देखे कि भले ही हम लोग पास गिल्टी गियर के स्टोन्स हैं मगर सोल बैठ गए गिल्टी गियर स्टोन्स के बजाय हम लोग का जो बर्न डबल अटैक स्टोन है उससे ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि उसका क्या है बर्न एक्सप्लोजन है। तो हो सकता है देर आर वेरी हाई चांसेस कि हमारे स्ट्रीट फाइटर कोलैब में भी आने वाले कैरेक्टर पास भी एक्सप्लोजन हो, और इसी के लिए यही बोलेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के स्टोन्स के कलेक्शन में अभी से समय देना चालू कर दो, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर 5 को कोलैब के लिए बहुत समय से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोलैब होने वाला है। हमको नहीं लगता इससे ज़्यादा एपिक कोलैब आज तक हुआ होगा और इसके बाद भी शायद ही हो सकता है, ठीक। और हो सकता है इस मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा कोलैब जो स्ट्रीट फाइटर के बाद हम लोग को इतना हाइप कर सकता है, और हम मेरे हिसाब से वो कोई और कोलैब नहीं टेकन 7 का रीरन हो सकता है, जहाँ पर हम लोग को BS डेविल जिन या फिर BS हम लोग को डेविल कजू या
या फिर और भी जैसे एस एस हॉरांग ये लोग मिले तो शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा हाइप उसके लिए भी मच जाए, मगर अभी हम लोग उतना सपना नहीं देखते क्योंकि फिलहाल हम लोग पास स्ट्रीट फाइटर 5 का कोलैब है। और हम आप लोग यही बोले कि इन सभी चीज़ों पर गौर करना और चिंता मत करो, हम अभी से आप लोग पूरा रोड मैप दे देंगे कुछ वीडियोज़ में कि आप लोग किस हिसाब से इन 20 दिनों के अंदर और भी रूबीज़ के या फिर अपने जो भी रिसोर्सेज उनसे भी कलेक्शन करना है। तो गाइज अगर आप लोग ऐसी वीडियोज़ और देखने तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो चैनल को और अपने थॉट्स को नीचे कमेंट करना बिल्कुल भूलना। और हाँ एक छोटा सा रिमाइंडर कि हम अभी तक अपना Q&A वाला वीडियो अभी नहीं बनाए हैं, वो इसलिए क्योंकि Q&A वाला वीडियो आएगा सीधे संडे को। तो अगर आप लोगों के पास अभी कोई भी सवाल है आप लोगों को पूछने के लिए वो सभी आप हमको नीचे कर पूछ लेना, उसके आप लोगों को उन सभी सवालों के जवाब संडे को मिल जाएंगे। और हाँ जिनको अभी भी नहीं पता ये क्यों Q&A वाला वीडियो बनने वाला है क्योंकि हम लोग 400 सब्सक्राइबर का मार्क पूरा कर चुके हैं, तो बिग थैंक यू टू यू ऑल। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।